Hey guys, this is Nitin. Welcome to Study Junction और ये हमारा geography का part 2 है और इसमें हम पढ़ेंगे major peak points के बारे में जो कि इंडिया में different mountain ranges में जो हमारे important और highest peak points हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और कभी कभी एक question आ जाता है और इसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है और ये बहुत ही easy है 6-7 हैं तो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है सो लेट्स गेट स्टार्टेड तो ये मैंने मैप थोड़ा सा बनाने का ट्राई करा है अपने हाथों से ही लिखा है ये चलिए तो सबसे पहले तो आपको मैं थोड़ा थोड़ा मतलब डिटेलिंग में दे देता हूँ तो आपको पता है कि हिमालयन रेंज जो है यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से गई और इधर नीचे भी आई है ये जो हमारा अंडमान और निकोबार है ये भी हिमालय का एक्सटेंशन है ठीक है तो इसको मैं रब कर देता हूँ मतलब बेसिकली जो है हिमालयन रेंज जो है सबसे बड़ी यंगेस्ट भी माउंटेन फॉल्ड्स हैं और ये जो है सबसे ऊंचे भी है यहाँ पे सबसे ऊंचे पहाड़ वर्ल्ड के पाए जाते हैं ठीक है जिसमें से सबको इसके बारे में तो सबको पता होगा माउंट एवरेस्ट दिस इज़ द टॉलेस्ट माउंटेन एवर एंड ये काफ़ी ऊंचा है इसकी हाइट आपको पता है 8848 ठीक है मगर ये नेपाल में पड़ता है अगर आपसे कोई पूछता है कि वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी कहाँ पे है तो माउंट एवरेस्ट नेपाल में है और फिर वही क्वेश्चन आता है कि इंडिया में है तो वो कौन सा है अगर सिर्फ इंडिया में पूछता है दैट इज़ K2 गॉडविन ऑस्टिन ठीक है और अगर आपसे मतलब ये आता है हमारा काराकोरम रेंज में ये हिमालय का नहीं है ये हमारा काराकोरम रेंज में आता है ये आपको पता होना चाहिए K2 इज़ नॉट इन हिमालय K2 आता है काराकोरम रेंज में मगर आपसे पूछता है कि ऐसा पर्वत बताइए मतलब व्हाट इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया विच एंटायरली लाइज इन इंडिया मतलब कि वो पूर्ण तरीके से इंडिया में ही है तो उसका आंसर बदल जाता है उसका आंसर है कंचनजंगा ये हिमालय की रेंज है और ये जो है माउंट एवरेस्ट के बाद दूसरे नंबर पे आता है ठीक है कंचनजंगा ठीक है मतलब ये जो है ये इंटायरली इंडिया के अंदर है मतलब ये पूरे का पूरा जो है इंडिया ये पूरा का पूरा हमारे इंडिया के अंदर है सिक्किम में ये है ये चलिए अच्छी बात है और उसके बाद चलिए मैं आपको बता दूँ अगर जैसे हिमालय तो काफ़ी लंबा चौड़ा मतलब माउंटेन रेंज है तो आपसे अगर पूछता है कि सबसे नॉर्थ ईस्ट या फिर सबसे ईस्टेस्ट मतलब ये दिस वन इज ईस्टेस्ट वेस्टर्न पार्ट ओके एक सेकेंड ये दिस इज वेस्टर्न पार्ट एंड दिस इज ईस्टर्न पार्ट ऑफ हिमालय ईस्टेस्ट तो अगर आपसे पूछता है कि सबसे वेस्ट में कौन सा है तो नंगा पर्वत मतलब नाम थोड़ा अजीब सा है मगर आपको पता होना चाहिए और ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि झेलम इंडस रिवर जो है यहीं से मुड़ के पाकिस्तान में एंटर कर जाती है नंगा पर्वत के जरिए नंगा पर्वत से और जो ईस्ट में है वो हमारा नामचा बरवा ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और मैंने पूछा तो कहीं नहीं आएगा आपसे मगर यहाँ पे इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से ब्रह्मपुत्रा नदी जो है जो जिसको हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी जो तिब्बत से निकल के जिसको हम लोग सैंगपो बोलते हैं वो आती है इस तरीके से और यहीं से मुड़ जाती है तो ये कैसे मुड़ जाती है मतलब इस तरीके से आके नामचा बरवा के बगल से मुड़ के अरुणाचल प्रदेश में एंटर कर जाती है ओके तो नामचा बरवा इस वजह से पता होना चाहिए सबसे नॉर्थ ईस्ट में कौन सा है नंगा पर्वत और इधर कौन सा है नामचा बरवा ओके उसके बाद ये हो गया फिर यहाँ पे ये हमारी अरावली रेंज है जो कि सबसे पुरानी मतलब माउंटेन रेंजेस में है ये बहुत मतलब बूढ़ी हो गई है तो वर्ल्ड की जो जितनी भी सबसे बूढ़ी मतलब ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है उनमें से एक ही आता है तो इसकी हाईएस्ट पॉइंट है हमारा गुरु शिखर जहाँ पे दिलवाड़ा टेम्पल भी है जैंस का जो टेम्पल होता है दिलवाड़ा टेम्पल तो वहीं पे इसकी हाइट है 1722 है काफ़ी छोटे हैं क्योंकि ये पुराने हो गए हैं तो अपरदन के जरिए मतलब इरोजन की वजह से ये कट गए हैं ओके तो उसके बाद आता है ये हमारा ये जो है ये हमारी सत ये हमारी ये विंध्याचल रेंज है और ये हमारी सतपुड़ा रेंज है इसी के बीच से एक नदी गुजरती है लॉन्गेस्ट वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर हमारी कौन सी है नर्मदा वो इन्हीं के बीच से होकर गुजरती है तो विंध्याचल की हाईएस्ट पॉइंट है कलुमार ठीक है ये तो ज़्यादा नहीं पूछी जाती मगर ये इंपॉर्टेंट है धूपगढ़ ये मिडिल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है ये
धूपगढ़। ओके, फिर आते हैं नीचे वेस्टर्न घाट्स में। जैसे वेस्टर्न घाट्स तो आपको पता ही, लास्ट वीडियो में आपको वेस्टर्न घाट्स पता चल गए होंगे। तो वेस्टर्न घाट्स जो है यहाँ तक इस तरीके से बने हुए हैं वेस्टर्न घाट्स। तो ओके, तो वहाँ की हाईएस्ट पॉइंट है अन्नाई मुड़ी, अन्ना मुड़ी, अनाई मुड़ी। और या फिर आपसे पूछता है कि साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, वो भी अनाई मुड़ी, ठीक है। ओके, जिसकी हाइट 2695। हाँ, और ये मैंने यहाँ पे लिख रखा है डोंडा बेटा। डोंडा बेटा यहाँ पे नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं इस जगह पे, तो वहाँ की नीलगिरी की पहाड़ियों के हाईएस्ट पॉइंट है डोंडा बेटा, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ये ईस्टर्न घाट्स पे, ये ईस्टर्न घाट्स है, ये रहे हमारे वेस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पॉइंट है अमराकोंडा, ये भी आपको पता होना चाहिए, अमराकोंडा, ठीक है। और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम्स में मैंने देखा भी है और पूछा जाता है ये कि अंडमान निकोबार की हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, तो वो है सैडल पॉइंट, सैडल पॉइंट। ओके, और लक्षद्वीप की हाईएस्ट पीक का कोई नाम नहीं है, तो इसलिए और आप लोगों को पता होने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो भी हाईएस्ट पीक है वो अननेम्ड है। ओके, तो एक क्वेश्चन तो आता ही है। और ये गुरु शिखर का जो क्वेश्चन था अरावली रेंज के हाईएस्ट रेंज का, तो जिस किसी ने भी एआरओ का पेपर दिया होगा, मतलब अलाहाबाद हाईकोर्ट एआरओ, तो उस एग्जाम में तो ये आया था सबको, मतलब जिसने दिया होगा उसको पता ज़रूर होगा। चलो, अच्छी बात है। और होप यू गाइस लाइक द वीडियो, आप लोग को मे बी सब कुछ समझ में आ गया होगा इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस के बारे में। ओके, तो नेक्स्ट हम करेंगे इंडिया साइज एंड लोकेशन का वीडियो रहेगा, कि इंडिया की मतलब कौन से माउंटेन रेंजेस कहाँ पे हैं, और इंडिया का हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट कौन सा है, इन सब चीज़ों के बारे में जो छोटी छोटी ज्योग्राफी है वो आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। चलिए, थैंक यू।